हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस्ट CDP जो कि आपका CDP से होंगे, कुछ आपका एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका KVS और CTET के लिए। उसके साथ ही DSSS भी वैसे हो चुका है, बट आगे भी वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही HTET यानी कि जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स है या फिर आप रेगुलर या डिस्टेंस से डाइट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, दिवा स्वप्न किताब के लेखक कौन है? ठीक है, दिवा स्वप्न किताब पुस्तक का नाम है दिवा स्वप्न, तो ये किसने लिखी है? गांधी जी ने, टैगोर ने, गिजू भाई या होल्ट ने? तो ये लिखी है गिजू भाई ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन सेकेंड, 6 से 14 वर्ष के बालक को किस कानून में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शंस आपके 21A, 32A, 88N या फिर 10A। तो 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकास आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित क्या है? वुडवर्थ हैं, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं या थोर्नडाइक हैं? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है जीन पियाजे का, जिन्होंने बहुत ही कह सकते हैं हम मैक्रो लेवल पर मतलब बड़े लेवल पर इसे संबंधित काम किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, और इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपको क्लियर करना है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और जीन पियाजे थ्योरी का लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा, हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल वो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है, और उसके बाद सेंसरी मोटर जो कि संवेदी प्रेरक होता है आपका 0 से 2 ईयर्स। ठीक है, सेंसरी मोटर के बाद आपका आता है प्री ऑपरेशनल, फिर आता है ऑपरेशनल, और फिर लास्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 11+ होता है, 0 to 2 ईयर्स आपका सेंसरी मोटर, 2 to 7, 7 to 11 और 11+। ठीक है, इस तरह की 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है नियंत्रित, यहाँ पर नियंत्रित होगा, नियंत्रित परिस्थिति में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? परीक्षण, मापन, निरीक्षण या फिर प्रयोग? तो आपके जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो सब कुछ क्या होता है, कंट्रोल में होता है ना, तो ये है आपका नियंत्रित परिस्थिति में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका परीक्षण एग्जाम टाइम होता है। बालक के विकास की पहली पाठशाला क्या होती है? तो बालक के विकास की सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो होती है उसका परिवार, फैमिली। ठीक है, ये सब आप लोग जानते ही हैं कि पहला विद्यालय कह सकते हैं, पाठशाला कह सकते हैं, वो सब उनकी उसकी अपनी अपना परिवार होता है जहाँ से बच्चा सब कुछ सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करिए, ये है आपका विटामिन सी की कमी से। तो ये सबको ही पता है विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। जन्म के समय शिशु समाज के प्रति कैसा रहता है? जन्म के समय उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कि समाज से बिल्कुल हटकर रहता है, समाज का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको पता भी नहीं रहता कि समाज नाम की भी कोई संस्था है जिससे उसको आगे जुड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपका KM ब्रिजेस है जिन्होंने विकासात्मक संवेग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चंस आपके MP DIET से लिए गए हैं जो कि आपके स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और आपको पता ही है आजकल एग्जाम कहीं से भी आ जाता है, बेसिकली वहां से कोर्स उठाया जाता है जहां पर जिसको हम बिल्कुल जीरो समझ के छोड़ देते हैं, है ना, जैसे कि इग्नू से उठाया था, सॉरी इसे NIOS से उठाया था DSSS ने। ओके, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आना चाहिए आपका विकासात्मक संवेग सिद्धांत की बजाय आपका आना चाहिए यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक।
ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर विकासात्मक संवेग सिद्धांत नहीं होगा, ये आपका रिपीट हो गया है। यहाँ पर आपका आना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है, ठीक है, वो 140 प्लस होता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बालकों का एक शैक्षिक साधन होता है, तो दृष्टिबाधितों को पढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, स्पेशली सॉरी ब्रेल बुक्स का, ठीक है ना, ब्रेल लिपि के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, वो किस तरह की होती है, इस पर भी हमने जो स्पेशल एजुकेशन की दो वीडियो बनाई है यूट्यूब पर ही आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है कि ब्रेल लुईस ब्रेल ने इस लिपि को खोजा था, वो खुद भी दृष्टिबाधित थे और किस तरह की होती है वो हमने दिखाया कि इस तरह से डॉट 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 से आपको पढ़ना होता है, आप उस पर जैसे इस तरह से उंगली से उसको फील करते हैं और तब समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है, तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली, यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है जो कि वहाँ पर गलत प्रिंट हुआ था, प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140 प्लस, तो ऑप्शन इसका सॉरी ये ऑप्शंस नहीं दिए, ये डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं, 140 प्लस होगा। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किसको माना है, मातृभाषा को माना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, मातृभाषा के द्वारा ही हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, क्वाशियोकर, घेंघा, रतौंधी या कब्ज, तो ये जो क्वाशियोकर है ये आपका प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है, तो देखिए गरीबी के कारण हो सकता है, अशिक्षित माता पिता बिल्कुल हो सकता है, टूटे परिवार के कारण भी बाल श्रमिक हो सकता है, लेकिन जो उदारीकरण है वो बाल श्रमिक का कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन 7 है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लक्षण है, तो किशोरावस्था में आत्म प्रेम देखने को मिलता है बिल्कुल, और सामाजिक पहचान की भी बच्चे को एक चाहत होती है, इच्छा होती है, तो दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। कौन सा कौशल हाथ से संबंधित गत्यात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ये आपका ब्लूम टैक्सोनोमी से है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनोमी भी हमने बेहतर ढंग से अपने अपने अनअकैडमी प्रोफाइल पर किया हुआ है, तो ब्लूम टैक्सोनोमी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जीन पियाजे बोला था, जीन पियाजे और ब्लूम टैक्सोनोमी दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लूम ने तीन तरह से बात की है, एक साइकोमोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव हमेशा आपके मस्तिष्क संबंधित होता है, साइकोमोटर आपका गत्यात्मक कौशल जिसकी यहाँ पर बात की गई है, एक होता है इफेक्टिव, ठीक है, मारिया ने जो दिया है वो है आपका भावात्मक जो होता है, ठीक है, महसूस जिसको हम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए संबंधित नहीं है, गेंद फेंकना, लिखना पढ़ना, नृत्य करना, स्वयं भोजन करना, देखिए जब स्वयं भोजन करते हैं तो बिल्कुल हमारा जो हाथ है हिलता है, मुंह हिलता है, बट पूरा जो बॉडी रहती है वो एक फिक्स पोजीशन में रहती है, ठीक है, बच्चा भाग भाग के, छोटे बच्चे खाते हैं बट इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, गत्यात्मक विकास होता है जब आप लिखते पढ़ते हैं, जब आप गेंद फेंकते हैं और नृत्य करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है स्वयं भोजन करना ये आपका गत्यात्मक विकास से संबंधित नहीं है। बालक द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार का स्वरूप क्या होगा, ठीक है, सामाजिक, झगड़ा करेगा बिल्कुल नहीं होगा वो सामाजिक, असामान्य व्यवहार ये भी सामाजिक नहीं है, अनुशासनहीनता ये भी सामाजिकता की पहचान नहीं है, संतुलित व्यवहार जो होता है वो सामाजिक व्यवहार का स्वरूप होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। अब संवेगात्मक विकास की जब बात आई तो ये आई आपकी भावात्मक भी होता है ये संवेगात्मक। ओके, तो स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, थकान या फिर लिंग, तो कौन सा कारक इसको प्रभावित नहीं करेगा, तो थकान नहीं करेगी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, या लिंग हो सकता है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है,
बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लिंग। संवेगात्मक विकास को लिंग जो है वो प्रभावित नहीं करता है। स्वास्थ्य हो सकता है, कोई व्यक्ति बीमार है तो संवेगात्मक विकास उसका प्रभावित होगा थकान के कारण, और आर्थिक स्थिति में जब कमजोरी बनती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उस समय भी हमारा जो संवेगात्मक विकास होता है वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? नरेश सयाजी, गायकवाड़, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दोनों? तो ऑप्शन जो इसका ए है वो सही है। स्वतंत्रता से पहले की बात की गई है तो स्वतंत्रता से पहले गायकवाड़ जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम स्वतंत्रता के बाद आता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की समस्या 2005 पर भी हमने लेसन्स बनाए हैं MCQs रूप में, आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। ये है आपका, समस्याएं पूछी है यहाँ पर किस किस तरह की, भाषाओं की समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या और समाज की आकांक्षा, तो ये तीनों ही तरह की समस्याएं इसमें उठाई गई थी। भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म है, व्यवसाय है, पूंजी है या पद है? तो देखिए, भारत में जो जाति का आधार है वो जन्म के आधार पर है ना, कि इस जाति में जन्म हुआ तो वो उसी जाति का व्यक्ति कहलाएगा। पहले व्यवसाय के आधार पर जो हुआ था बंटवारा जाति का, लेकिन बाद में वो परमानेंट हो गया और जन्म के आधार पर होने लगा। जनपद स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा, जनपद स्तर पर प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष कौन है? प्राचार्य डाइट, जनपद शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी? तो यहाँ पर डाइट जो है वो प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मुदालियर कमीशन, ठीक है, इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, और इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी इसके अध्यक्ष थे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा के तहत बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना निषेध है? तो धारा 17 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल की स्थापना की गई, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी, जब तक तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो सहयोग पर आधारित होता है और सद्भावना पर आधारित होता है, ये दोनों ही विशेषताएं भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक हैं, या दोनों ही भूमंडलीकरण की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 5 है, किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं? तो बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं 14 वर्ष से कम के बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 6 से 14 तक क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 21A में, और जब 14 से कम अगर काम पर लगाए जाते हैं तो वो बाल मजदूरी कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मानस चित्रांकन किया जाता है मूल्यांकन में सक्रिय अधिगम प्रविधि में, तो सक्रिय एक्टिव लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें मानस चित्रांकन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना ऑप्शंस हैं आपके पास 4 नवंबर को या फिर 10 अक्टूबर को। तो जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1916 में, 4 नवंबर 1916 को। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, संवेग का लैटिन शब्द क्या है? इमोवेयर, इमोशन, इमोद या इमोशनल? ठीक है, तो इमोवेयर, इमोवेयर से संवेग शब्द निकला है। इमोवेयर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है संवेग। भारत में पहली बालवाड़ी की स्थापना कहाँ हुई थी? बालवाड़ी होती है जिस तरह से आपकी आंगनवाड़ीज होती हैं, सबसे पहले ये हुई थी महाराष्ट्र में, छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी बनाई जाती है, वहाँ पर बच्चों का खेलने का, खाने से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं वो किए जाते हैं। बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। परिवार जितना सामाजिक होगा बालक भी उतना ही सामाजिक मिलेगा। आंगनवाड़ी में नियुक्त किया जाता है पुरुष महिला, पुरुष महिला दोनों, तो आंगनवाड़ी में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। संस्कृति से क्या तात्पर्य है? संस्कृति
क्या होती है, संस्कृति आपका मिला जुला रूप होती है, परिधान और भोजन नहीं हो सकते, ठीक है। सिर्फ संस्कृति में आपके परिधान, पहनावा और भोजन नहीं आएगा, संचार प्रौद्योगिकी भी नहीं आएगा, कंप्यूटर का प्रयोग भी संस्कृति से अलग है। ऑप्शन सी जो है, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया उसका संयुक्त समग्र, यानी कि आपका परिधान, आपका भोजन, आपका कल्चर, कल्चर ही आपका संस्कृति होता है, आपकी शिक्षा, आपकी भाषा, ये सब कुछ, भाषा, पहनावा, खान पान, ये सब आपका संस्कृति में आता है, आपका व्यवहार। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन सिक्स, शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है, तो समग्र विकास, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बालक के सामाजिकरण का प्रमुख तत्व, ठीक है, सामाजिकरण का प्रमुख तत्व वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा या ए और ब दोनों। तो देखिए, सामाजिकरण परिवार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर परिवार का कुछ ऐसा नहीं है, तो शिक्षा से भी बच्चा सामाजिकता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का कारक है, सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या होगा, धर्म होगा, शिक्षा होगी, समाज होगा या विकास होगा, तो शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट कह सकते हैं इसको, काफी इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रही है, और मोर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।